इस देश में ये हो क्या रहा है? लगता है बीजेपी ने देश को बर्बाद करने की ठान ली है। जी हाँ, अभी नुपुर शर्मा, उदयपुर और अमरावती का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर से बीजेपी के एक आईटी सेल हेड ने, वरिष्ठ नेता ने फिर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगला है, फिर से मोहम्मद पैगंबर साहब पर एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका है। लोग लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने कत्ल होने के बाद भी, इतनी जाने जाने के बाद भी बीजेपी को अकल नहीं आ रही है? लगातार वो दो संप्रदाय में लड़ाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। अभी आपने देखा था कि नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ, उसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने प्रोटेस्ट करा, जहां पर जो पुलिस थी उन्होंने उन पर लाठीचार्ज करा। हमने देखा झारखंड में दो लोगों की मौत हो गई। उसके बाद उदयपुर में एक कन्हैया लाल का जो टेलर थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका गला काट दिया जाता है। उसके बाद अमरावती में एक शख्स की फिर से हत्या कर दी जाती है। वहीं उसके बाद महाराष्ट्र में एक मौलाना की हत्या कर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आप समझिए कि लगातार देश में माहौल गर्म है, लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू है, लेकिन बीजेपी इसको ठंडा होने नहीं दे रही है। अब ताजा मामला है हरियाणा के बीजेपी आईटी सेल अरुण यादव ने ट्वीट कर फिर से तहलका मचा दिया है, फिर से मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। जिस तरीके का वो ट्वीट उन्होंने किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसको समाज में जगह नहीं मिल सकती। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर पैगंबर साहब पर फिर से टिप्पणी की है, ये देखिए अरुण यादव हैं, बीजेपी हरियाणा स्टेट इंचार्ज है आईटी सेल के। उन्होंने ट्वीट किया है, मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जितना नुकसान देश की छवि को पहुंचाया था, देश के लोगों को पहुंचाया था, तमाम हत्याएं हो गई, कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, एक मासूम बच्चा अपने पिता को खो बैठा है, एक माँ दो बच्चों को खो बैठी है, लेकिन इनको अब भी अकल नहीं आ रही है अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। ये अब भी आग से खेल रहे हैं और लगातार भावनाएं भड़का रहे हैं। ये देखिए शाहनवाज अंसारी, उन्होंने ट्वीट किया है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बीजेपी हरियाणा का स्टेट इंचार्ज है, जो काबा की तस्वीर लगाकर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। पुलिस हरियाणा, क्या इस हेट मोंगर के खिलाफ कार्रवाई होगी? यह इन्हें शासन प्रशासन की तरफ से खुली छूट मिली है। जुबेर के खिलाफ FIR हो जाती है और FIR करने वाले का पता नहीं होता और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, लेकिन अरुण यादव जो खुले तौर पर एक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये देखिए साहिल रजवी है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, हेलो महोदय DGP हरियाणा, पुलिस हरियाणा, ये अरुण यादव नामक व्यक्ति आकाल इस्लाम किसान में गुस्ताखिया कर रहा है, उनके बारे में आप शब्द बोल रहा है, कृपया करके संज्ञान ले। तो जिस तरीके से अरुण यादव ने ट्वीट कर भावनाएं आहत करने की कोशिश की है, उससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम लगातार हो, लोग एक दूसरे को मारे, एक दूसरे की जान ले। उनको कन्हैया से के मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको साहिल के मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक चाहिए और वो जो है आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि अब राम मंदिर 370 बचा नहीं है, तो इसीलिए वो लगातार ऐसी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम हो और वो उसकी खेती काट सके। और UP में तो देखिए अद्भुत हो गया, 135 साल पुराना सरकारी स्कूल जब छुट्टियों के बाद खुला तो उस पर कब्जा हो चुका था और वहां पर प्राइवेट स्कूल बन चुका था। यह है यूपी में योगी सरकार की कानून व्यवस्था। ये देखिए मनोज काका है, उन्होंने ट्वीट किया है, लखनऊ 135 साल पुराना सरकारी स्कूल सेंटिनियर स्कूल केसरबाग, छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही वहां पर प्राइवेट स्कूल बन गया, सरकारी अध्यापक बच्चों को सड़क पर बैठाकर पढ़ा रहे हैं। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, जब सरकारी स्कूल तक कब्जा हो गया तो यूपी में कानून का राज कहाँ? ये मनोज काका है जिन्होंने ट्वीट किया है, अगर FIR करनी है तो इन पर कीजिए। और वहीं दिल्ली की सड़कों पर आज स्मृति ईरानी को ढूंढा जा रहा है, जिस तरीके से 50 रुपए का जो बढ़ोतरी हुई है LPG गैस में, उसके बाद देश की राजधानी में जगह जगह स्मृति ईरानी के सिंड्रेला नाम के पोस्टर लगे हुए हैं और लोग ढूंढ रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब वो सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी और हाय तोबा मचाती थी और प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, लेकिन आज जब
₹50 बढ़ाकर ₹1,053 सिलेंडर हो गया है, तो इनका पता नहीं है। तो ये तस्वीरें भी वायरल है और पूरी दिल्ली में आज इनकी तस्वीरें छपी हुई है। और वहीं ये देखिए, अलीगढ़ में 23 फरवरी 2020 को CA प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा में तारीख 28 की भाजपा युवा मोर्चा नेता की गोली से मौत हो गई थी। पुलिस ने BJYM नेता विनय वार्ष्णेय व दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब बुधवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को तारिक की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। तो यूपी में अभी भी कानून व्यवस्था बनी हुई है, कोर्ट अदालत सब अपना काम कर रही है, लेकिन सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए, खासकर जो BJP से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अदालत एक्टिव है और जल्दी इंसाफ कर देती है। लेकिन तारिक का हत्यारा कौन है वो किसी को नहीं पता है, भाजपा के नेता को बरी कर दिया गया है। और अब सबसे भयंकर खबर, एक आदमी जिसने आज इस देश को इस हालत में पहुंचाने का जो जिम्मेदार है वो है विनोद राय। विनोद राय ने माफ़ी मांगी है। क्या माफ़ी मांगने से सारी बात ख़त्म हो जाएगी? मैं आपको बता दूं, विनोद राय वो शख्स हैं जो CAG के अध्यक्ष थे, जिन्होंने तमाम कोयला घोटाला, व्यापम घोटाला, ये तमाम आरोप लगाए थे कांग्रेस की जब सरकार थी, UAP की सरकार थी, कि आरोप लगाए थे कि ये सब घोटाले हो रहे हैं। लेकिन जांच में पता चला आज कई सालों बाद, अब जब पता चला है, रिपोर्ट आई है, उनकी जांच हुई है कि कैसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ, 2G 3G कोई घोटाला ही नहीं हुआ, कोयले वाला कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो अब आप समझिए, अब ये कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी। इस पर एक बड़ी शानदार पोस्ट लिखी है और मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, ये देखिए। पूर्व CAG विनोद राय की माफ़ी अहम है। भारत को एक षड्यंत्र के तहत इस स्थिति में लाने के सबसे बड़े जिम्मेदार CAG विनोद राय है। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अजीत डोभाल, XIS की पूरी लोबी, NGO संस्था और अंबानी अडानी, ये देखिए पूरा थ्रेड पढ़ के बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस शख्स ने आज देश को गर्त में डाल दिया है, कि 2G 3G घोटाले के नाम पर। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी विनोद राय ने बांधी थी। विनोद राय CAG से रिटायर होने वाले थे, उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज डील के तहत कांग्रेस सरकार पर झूठे घोटालों के आरोप लगाए, 2G कोयला आवंटन में 10 लाख करोड़ के घोटाले की बात कही, अलग अलग चैनलों पर जाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। ये बंदा इतने बड़े पद पर था कि देश ने मान लिया कि सरकार भ्रष्टाचारी है। इसने PM मनमोहन तक पर इल्ज़ाम लगाया कि उनका नाम दबाव बनाकर घोटाले से निकलवाया गया है। इस आदमी को बस अपनी किताब नॉट जस्ट एन अकाउंट, द डायरी ऑफ नेशन कॉन्शियस कीपर के लिए कॉन्ट्रोवर्सी करनी थी। इस किताब में इसने भ्रष्टाचार पर लिखा और क्लेम किया कि यह अंदर का सच है, जबकि वो सब झूठ का पुलिंदा था। जब कोयला घोटाले में इसी आदमी की थ्योरी के आधार पे जब कोर्ट केस हुआ, तब इस आदमी ने प्रूव करना तो छोड़ो, ये कोर्ट में गवाह तक नहीं बनने गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आदमी ने अपने आरोपों से सरकार गिरा दी हो वो आदमी कितना झूठा होगा। इसके कारण भाजपा को माइलेज मिली, अन्ना आंदोलन सबको सही लगा, बाबा रामदेव की बात मोदी सरकार बनाओ टैक्स नहीं देना पड़ेगा सबको सही लगने लगी, सरकार भी बन गई। दिल्ली CBI कोर्ट ने अंत में सभी को बरी करते हुए कहा इसमें रत्ती भर भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। विनोद राय को देश और अपने पद से गद्दारी का क्या इनाम मिला वो देखिए, इन्हें भाजपा सरकार में क्या क्या पद मिले। बैंकिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, BCCI के इंटरिम चेयरमैन 2017 में, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड, रेलवे का सलाहकार, रेलवे कायाकल्प काउंसिल का सदस्य। विनोद राय के RBI में मॉनिटरिंग के करने के दरमियान ही नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वाले लाखों करोड़ के घोटाले हुए और साहब ने आज तक मुंह नहीं खोला, अपनी किताब में जो लिखा उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। संजय निरुपम से लिखित माफ़ी मांगी है, पर देश से माफ़ी कब मांगेगा ये गद्दार? तो आप समझिए कि कितना खतरनाक था ये शख्स, जिसने अपनी निजी जिज्ञासाओं के लिए, या ये समझिए कि RSS के जो स्लीपर सेल्स थे वो किस तरीके से UAPA में काम कर रहे थे, और लोगों ने इनकी बात पर यकीन किया, और लोगों ने, और ख़ासकर RSS ने आंदोलन चलाया, और फिर UAPA 2 को जाना पड़ा, जिसमें मनमोहन जैसे एक ईमानदार नेता थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग अब माफ़ी मांग रहे हैं, कि जब CBI की रिपोर्ट में या जांच में कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ था, अब इन्होंने माफ़ी मांगकर काम चला लिया है। आप समझिए, ये जो देश में तबाही मचा रखी है इसका जिम्मेदार कौन है? ये शख्स है, लेकिन इसको ना तो जेल होगी और ना ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अब ये देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और पत्रकारों का मेल। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और पत्रकार दोनों एक ही गाड़ी पर लिखे हैं। आरजेडी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। वहीं सीतापुर कोर्ट के बाहर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने लगाए मोहम्मद जुबैर मुर्दाबाद के नारे। एक फैक्ट चेकर ने तमाम एजेंसियों के साथ साथ संस्थाएं भी इतनी डरी हुई हैं कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी जुबैर से डर महसूस कर रहे हैं। सच एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झुका देता है, तो जुबैर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो आपके सामने है। और अब तो जर्मनी ने भी कह दिया है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा नहीं सकते। और वहीं दूसरी तरफ अरुण यादव ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, वो देश का माहौल ख़राब करने वाला है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की पुलिस उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनको जेल भेजने का काम करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कत्लों का, ये जो हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ है ये यूं ही जारी रहे और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहे। जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या हुई, जिस तरीके से झारखंड में दो मुस्लिम युवकों पर गोली चलाई गई, जिस तरीके से अमरावती में एक शख्स को मारा गया, ये सारी हत्याओं को जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अब अरुण यादव के इस ट्वीट के बाद अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अरुण यादव होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।